मुख्यमंत्री के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल मटक माजरी में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हल्के से समाज सेवियों, पार्षदों, ब्लॉक समिति सदस्यों व सरपंचों को आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में इंद्री नगरपालिका चेयरपर्सन शिवानी गोयल व ब्लॉक समिति चेयरपर्सन कुसुम कांबोज ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल रितु अरोड़ा ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रिंसिपल रितु अरोड़ा ने बताया कि ज्ञान भारती स्कूल पिछले 20 वर्षों से हल्के की सेवा कर रहा है। स्कूल का वार्षिक परीक्षा परिणाम शानदार आ रहा है। स्कूल के बच्चों ने प्रदेश व जिला स्तर पर मेरिट में स्थान पाया है। उन्होंने बताया कि इस बार नए सेशन में स्कूल के कई नई गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। बच्चों पर स्कूली बस्तों का बोझ कम किया जाएगा। इसी प्रकार बच्चों को घर के लिए कोई होमवर्क नहीं मिलेगा और ना ही बच्चों को ट्यूशन वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बताया कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ संस्कारिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर भविष्य में अच्छे नागरिक बन देश व समाज की सेवा कर सके। इस मौके पर नगर पालिका चेयरपर्सन शिवानी गोयल ने स्कूल मैनेजमेंट का इस कार्यक्रम के लिए आभार जताया और स्कूल प्रशासन द्वारा नए शिक्षा सत्र में की जाने वाली नई गतिविधियों की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। जी मैम, आज क्या कार्यक्रम था स्कूल में? सर, आज हमारे ज्ञान भारती स्कूल में एक अभिनंदन समारोह हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जितने भी सरपंचेस, सिटी के एमसीज, आशा वर्कर्स और जितने भी ये ऐसे वर्कर्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया था। उसका हमारा मकसद था ताकि हम उनको वन टाइम में मिल सकें, अपने स्कूल की पॉलिसीज़ बता सकें और उनको ऑनर कर सकें। जैसा कि अभी मैंने ज्ञान भारती स्कूल में कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है, तो हम कमिंग सेशन में बहुत कुछ न्यू करने जा रहे हैं, जो कुछ ऐसा लाइक यहाँ इंद्री के स्कूल में पहले वो पॉलिसीज़ कभी नहीं होंगी। हम बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चीज़ें नई स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए ही हमने बेसिकली ये प्रोग्राम रखा था। यस, इन सभी वर्कर्स को हमने ऑनर किया है। हमारा मेन मोटिव अभिनंदन समारोह इन सबको ऑनर करके और ये बताना था कि हम आने वाले सेशन में स्कूल में क्या क्या नया करना चाह रहे हैं। बच्चों को संस्कारिक शिक्षा मिले, संस्कार उनमें पढ़े, इसके लिए क्या सर? बच्चों को हमारा जो मेन फोकस रहेगा, सिलेबस तो सभी कराते हैं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो संस्कारों पे ही रहेगा, क्योंकि संस्कार ही जरूरी हैं। किताबी पढ़ाई तो शायद भूल जाते हैं। अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमारी असली शिक्षा वही है जो हम स्कूल पास आउट करने के बाद हमें याद रहती है। तो हम संस्कारों पे ही ज़्यादा जोर देंगे। वो आप देखेंगे कि जब 2-3 मंथ्स बाद हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, आपको रिजल्ट में क्लियरली वो विजिबल होगा। और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? सर, हमारी टोटल जो स्टडी रहेगी वो लर्निंग बाय डूइंग से रहेगी। बच्चा जो भी सीखेगा वो सब कुछ प्रैक्टिकली करके सीखेगा। बुकिश नॉलेज पे या रटी रटाई नॉलेज पे हमारा फोकस बहुत कम रहेगा। मोरल डेवलपमेंट का हम बहुत ध्यान रखेंगे और मेन जो हम करने जा रहे हैं कि नो होमवर्क, नो ट्यूशन एंड बैगलेस। बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा, कम्प्लीट होमवर्क स्कूल में कम्प्लीट करवाया जाएगा। बैग्स का उनका बोझ बहुत कम कर दिया जाएगा, हम स्कूल में ही उनके बैग्स रखेंगे। सिर्फ असाइंड उनको वर्कशीट्स दी जाएंगी जो उन्हें घर पे करनी होंगी। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम एक ऐसा पूरा नागरिक रेडी करें जो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल कर सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.